सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए फिर से तीन ऐसे एंड्रॉइड एप्लीकेशन आ गए जिससे आप अपने फोन की लुक को काफी अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। तीनों एप्लीकेशन काफी मस्त एप्लीकेशन है, एकदम नेक्स्ट लेवल का एप्लीकेशन है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं तीन एप्लीकेशन कौन से हैं, कैसे काम करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो हमारा एप्लीकेशन है इसका नाम है फ्लो लॉन्चर। ये जो लॉन्चर है काफी बढ़िया लॉन्चर है। इस लॉन्चर में आपको जो होम स्क्रीन सेटअप देखने को मिलेगा काफी यूनिक और सिंपल देखने को मिलेगा। ये लॉन्चर खास करके उन लोगों के लिए जो अपने होम स्क्रीन को सिंपल और यूनिक रखना चाहते हैं। यहाँ पे आपको काफी यूनिक होम स्क्रीन देखने को मिलेगा। साइड में आपको कुछ विजेट भी देखने को मिलेगा जो कि दिखने में काफी बढ़िया लग रहा है। होम स्क्रीन पे आप कुछ एप्लीकेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो काफी बढ़िया लॉन्चर है, आपको उसको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा, आपको परमिशन अलाउ कर लेना है। तो चलिए हम इसकी परमिशन को अलाउ कर लेते हैं। परमिशन अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लॉन्चर है हमारे फोन पे अप्लाई हो चुका। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी यूनिक और सिंपल लुक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऊपर आपको डेट और टाइम देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको ऐड फेवरेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको जो भी अपना फेवरेट एप्लीकेशन ऐड करना है आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली ऐड फेवरेट पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सारा एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। आपको जो भी अपना फेवरेट एप्लीकेशन ऐड करना है आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। एप्लीकेशन सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहां टिक पे क्लिक कर लेना है, यहां से आपका एप्लीकेशन ऐड हो जाएगा। तो अभी आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे हमारा एप्लीकेशन ऐड हो चुका। फिर अगर आप नीचे देखेंगे तो यहां पे आपको कॉल और मैसेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहां पे आपको कुछ बजट भी देखने को मिल जाएगा जो कि दिखने में काफी बढ़िया लग रहा है। अगर आपको अपना आल ऐप देखना है सिंपली आपको उसको ऊपर की तरफ सिलेक्ट करना है और यहां पे आपको सारा एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। आपको जो भी यूज करना है आप इसको यहां से यूज कर सकते हैं। तो काफी बढ़िया लॉन्च है, आपको इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका नाम है इन्फिनिक्स कंट्रोल। ये भी एप्लीकेशन काफी बढ़िया एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने फोन के कंट्रोल सेंटर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप काफी यूनिक कंट्रोल सेंटर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में जो भी बटन है आप इसकी कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इस कंट्रोल सेंटर वाले एप्लीकेशन में जो भी आपको डिजाइन देखने को मिलेगा अदर किसी भी एप्लीकेशन में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको भी अप्लाई करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको इसको नेस्ट कर लेना है। नेस्ट करने के बाद आपको इसको आई एग्री पर क्लिक करके गो पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद फिर आपको डाउनलोडेड एप्स पे क्लिक करना है। फिर आपको इन्फिनिक्स कंट्रोल पे क्लिक करना है और आपको इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करने को बोलेगा, आपको वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपको इसको एक्सेप्ट करके ओके पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे जो भी ऑप्शन है सारे को आपको ऑन कर लेना है। परमिशन को अलाउ करके जितना भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सारे ऑप्शन को आपको ऑन कर लेना है। तो चलिए हम इसको ऑन कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि परमिशन को अलाउ करके ऑप्शन को हम ऑन कर चुके। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से एप्लीकेशन ओपन हो चुका और यहाँ पे हमारा जो कंट्रोल सेंटर है यहाँ पे अप्लाई हो चुका। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी यूनिक कंट्रोल सेंटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर आपको एक साइड कंट्रोल सेंटर और एक साइड नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको इस वाले ऑप्शन को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको एक साइड कंट्रोल सेंटर और एक साइड नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर आपको इसकी कलर को चेंज करना है सिंपली आपको थोड़ा सा नीचे आना है। फिर आपको टाइल कलर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको जो भी कलर चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको ओके पे क्लिक कर लेना है, यहाँ से आपका कलर चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा कंट्रोल सेंटर का बटन है इसका यहाँ पे कलर चेंज हो चुका। इसके अलावा अगर आपको वॉलपेपर ऐड करना है तो आप इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं और भी यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको जो भी कस्टमाइजेशन करना है आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका नाम है सोमी वाल्स। ये भी एप्लीकेशन काफी बढ़िया एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में आपको अलग अलग तरह का बहुत सारे वॉलपेपर देखने को मिलेगा। आपको जो भी अपने फोन में अप्लाई करना है या फिर आपको डाउनलोड करना है आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह का बहुत सारा वॉलपेपर देखने को मिलेगा और इसमें आपको जितना भी वॉलपेपर देखने को मिलेगा सारा आपको 4K में देखने को मिलेगा और काफी अच्छा क्वालिटी में आपको देखने को मिलेगा। आपको जो भी अपने फोन में डाउनलोड करना है या फिर आपको वॉलपेपर पे सेट करना है आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह का बहुत सारा वॉलपेपर देखने को मिलेगा। तो काफी बढ़िया वॉलपेपर वाला एप्लीकेशन है, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो इन तीन एप्लीकेशन में सबसे बढ़िया एप्लीकेशन आपको कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताइए। हम मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।